Today we are going to revise your polar form, or we can say this is also known as your trigonometric form. See, polar form को trigonometric form भी कहते हैं, ठीक है ना? You can say polar form or you can say also trigonometric form. तो इसमें सबसे पहले आपको जैसे मैंने ये बना दिया एक एक्सिस, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक? कैसे पता चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट? x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, दैट दिस इज योर एंगल थीटा. इसी को आर्गुमेंट बोलेंगे या एम्पलीट्यूड बोलते हैं. कैसे निकालते हैं? तो एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी tan थीटा होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी? y अपॉन x पूरे होल का मॉड. फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत होता नहीं क्योंकि इसके बाद आपका फॉर्मूला भी है, z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? इन सेकेंड क्वाड्रेंट जैसे आप मूव करते हैं, ये फर्स्ट हो गया तो ये आपका सेकेंड हो गया. नाउ इन सेकेंड क्वाड्रेंट अब कैसे पता चलेगा? x आपका ये नेगेटिव हो जाता है एंड y आपका पॉजिटिव रहता है. जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में होते उसमें आपका ये एम्पलीट्यूड तो निकालेंगे ऐसे, लेकिन एक्चुअल एम्पलीट्यूड नहीं होगा. तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होगा दैट इज व्हाट? दैट इज योर पाई माइनस थीटा, यानी ये आर. अच्छा, आर कैसे निकालते हैं? आर निकालता सिंपल फंडा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इस फॉर्म से आप आर को निकाल लेते हैं एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट. कैसे पता चला थर्ड क्वाड्रेंट? बोथ आर नेगेटिव, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, आपका ये एंगल होता है, दिस एंगल इज नोन योर एम्पलीट्यूड. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड? सो एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा, ठीक? थीटा से इसी से निकालेंगे इस फॉर्मूले से और यहां पुट करेंगे एम्पलीट्यूड आ जाएगा. एंड इफ यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कैसे पता चला यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट? एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव, सो दैट्स मीन दैट यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो टेन थीटा तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन जब इसका एम्पलीट्यूड लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के आगे क्या लगा देंगे? माइनस थीटा, तो लगा देते हम लोग माइनस थीटा. तो ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट की हिस्ट्री है जब आप पोलर फॉर्म को डिस्कस करते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं. इसका मतलब ये हुआ इसमें चार तरह के क्वेश्चन बन गए. देयर विल बी फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इधर इन फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्ट. कैसे पता चलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? सीइंग द साइन और सीइंग द वैल्यू, मतलब एक्स और वाई के साइन देख ले पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके भी आप पे आप चेक कर देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्ट. इसका ये चार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना? देयर विल बी फोर क्वेश्चन. सपोज दैट अगर ये टाइप वन बन जाए, यानी टाइप वन में क्या होगा? सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी. सपोज दैट यानी एक्स वाई दोनों, यानी मैंने लिखा जेड इक्वल टू वन प्लस आई, ठीक है? जेड इक्वल टू वन प्लस आई. सबसे पहले आप आर निकालना, तो आर क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन और वन मिलकर हो गया टू, तो आर की वैल्यू हो गई आपके पास टू. तो आर की वैल्यू हो गई आपके पास टू. जब आर आया तो आप निकालेंगे टेन थीटा. कैसे निकालेंगे टेन थीटा? टेन थीटा का फॉर्मूला पता है, दैट इज योर वाई अपॉन एक्स. वाई कितना है? वन. एक्स कितना है? वन. तो वन अपॉन वन, वन आ गया, तो आ गया आपका टेन थीटा वन. तो टेन थीटा वन आ गया, तो थीटा आ गया पाई बाई फोर. फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो चेंज. आप सीधे ये जो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में जाके पुट करते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, चाहे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में. सिर्फ थीटा अपना चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दिस वन. आर विल रिमेन, आर इसी फॉर्मूले से आ जाता है, ठीक है ना? सेट की वैल्यू आर, आर कितना है? आर आप बता रहे थे रूट टू है. कॉस थीटा कितना निकाला? पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर. ये तो आया सेट के लिए जब आप अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक? अब मान लीजिए अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में, व्हेन यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, तब क्या होगा?
ऐसे पता चलेगा हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप यहाँ पर रहेंगे, एक्स निगेटिव हो जाएगा, वाई आपका पॉजिटिव होगा, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, माइनस वन प्लस आई जैसे ये आएगा, एक्स निगेटिव है वाई आपका पॉजिटिव। अब जैसे मुझे यहाँ निकालना है आपको आर, आर पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो जाता है, माइनस वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर, तो आंसर आया रूट टू। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर वो टेन थीटा निकाल लेंगे, वाई अपॉन एक्स वन अपॉन माइनस वन का मॉड वन, टेन थीटा वन, तो थीटा आ गया फाइव बाई फोर, बट दिस इज नॉट एम्पलीट्यूड। अब आपका ये एम्पलीट्यूड नहीं है, क्यों एम्पलीट्यूड नहीं है, क्योंकि आपको तो सेकेंड क्वाड्रेंट चाहिए, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप हैं तो एम्पलीट्यूड आपका ये होता है, दैट इज पाई माइनस थीटा। तो लिखें पाई माइनस थीटा कितना है, पाई बाई फोर, तो आंसर आया थ्री पाई बाई, ठीक है। अब अपना जो फॉर्मूला है पोलर फॉर्म का, उसमें पुट करते हैं, आर निकाला है रूट टू कॉस थीटा आपका थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाई फोर, ये आ गया आपका सेट। सेट में लोग रूट टू ब्रैकेट में कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाई फोर, जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, कैसे पता चलेगा आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, r तो वही आ जाएगा रूट टू, tan थीटा वन आ जाएगा, यानी थीटा आ जाएगा पाई बाई फोर, लेकिन ये एम्पलीट्यूड नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट में। एम्पलीट्यूड मैंने अभी बताया आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट इज माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा, आंसर आया माइनस थ्री पाई बाई फोर, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। तो थीटा ये आ गया, आर ये आ गया, इसको जाके इस फॉर्म में पुट कर लेंगे, थीटा की जगह माइनस थ्री पाई बाई फोर और आर की जगह रूट टू, ये कब यूज करेंगे, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। अब मैं डिस्कस कर देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट, कि अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, जैसे लिखा उसने जेड इक्वल टू वन माइनस आई, कैसे पता चला आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहले तो आर निकाल लें, रूट टू हो जाएगा, टेन थीटा निकालें माइनस वन अपॉन वन वन, यानी फाइव बाई फोर, लेकिन ये आपका एम्पलीट्यूड नहीं है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट इज माइनस थीटा यानी माइनस फाइव बाई फोर, फोर्थ क्वाड्रेंट एम्पलीट्यूड होगा माइनस फाइव बाई फोर। इस फॉर्मूले को यूज करके आर की जगह रूट टू और थीटा की जगह माइनस फाइव बाई फोर को यूज कर लेंगे, इससे क्या आएगा, इससे आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा और वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया आपका पोलर फॉर्म। ये फोर केसेस बनते हैं पोलर फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी चार तरह क्वेश्चन बनेंगे, बट वन थिंग इज रिमेम्बर, जब भी किसी कार्टेशियन सिस्टम को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी अगर फ्रैक्शन वगैरह में है तो उसको रिसाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, फिर जज करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में, तो जिस भी क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्वेश्चन चेक कर लेंगे, आर्गुमेंट निकाल लेंगे, थीटा के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने अभी बोला, मैंने लिखूं अगर वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई, तो सबसे पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर है किस क्वाड्रेंट में, तो क्या करें, वन माइनस आई है तो क्या करें, वन प्लस आई का मल्टीप्लाई एंड वन प्लस आई का डिवाइड, वन प्लस आई वन प्लस आई वन प्लस आई का हो गया होल स्क्वायर, ए माइनस बी टू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर माइनस वन है तो बन गया टू, तो डिनोमिनेटर में आ गया आपका टू। न्यूमरेटर को ओपन कर लेते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए ऑन टू, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस वन प्लस वन कट गया, टू आई अपॉन से टू कट गया, आंसर क्या आया आई, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ आई। अब आई कहाँ है तो पता नहीं चल रहा है, तो वाई एक्सेस में, तो उसको कैसे लिखेंगे, जीरो प्लस आई, इस आई को आर तो ऑब्वियस है वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन, आर की वैल्यू तो आई वन, थीटा क्या आएगी
टेन थीटा इसी फॉर्म में लगाएंगे, वाई अपॉन एक्स वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, यानी थीटा आ गया पाई बाई टू, थीटा आ जाएगा पाई बाई टू, आर आ जाएगा वन, इसको जाके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। जो एक्स प्लस आई वाई फॉर्म होता था उसको बोलते हैं कार्टिजन फॉर्म, और इस तरह के फॉर्म को बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। और इसका दूसरा फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि साइन और कॉस के टर्म्स में आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने कन्वर्जन एक तरह से कह सकते हैं, कन्वर्जन द सेंस कि पोलर फॉर्म इंटू कार्टिजन फॉर्म और कार्टिजन फॉर्म इंटू पोलर फॉर्म। अब जैसे मान लो मैं पोलर फॉर्म ही किसी के लिख के दे तो ऐसे करते हैं दिस वन, और मैं बोलूं उसको कार्टिजन फॉर्म में बदलो, कार्टिजन फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। आपने सर बड़ा इजी है, सीधे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे सिस्टम में डाल के, क्वाड्रेंट सिस्टम में सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होती है वन बाई रूट टू या माइनस वन बाई रूट, कॉस नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ये क्या कर दिया आपने, ये कर दिया आपने पोलर फॉर्म को कार्टिजन फॉर्म में, और पहले क्या किया था, कार्टिजन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही है, इसे कोई डाउट नहीं है, दे रहे हैं यहाँ तक अच्छे सारा समझ में, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क।